क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिडक्स क्या है और रिडक्स को क्यों यूज किया जाता है। रिडक्स जो है एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है जिसे बहुत बड़ी एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जाता है और छोटी एप्लीकेशन में भी आप यूज कर सकते हैं। रिडक्स में हम एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टेट को डिफाइन करते हैं, या यूं कह दो कि जिसके अंदर हम डेटा को मैनेज करते हैं या डेटा को भी डिफाइन करते हैं। एक्चुअली मैं लफ्ज स्टेट का इस्तेमाल करना चाहूंगा यहाँ पर, डेटा को हम समझने के लिए यूज करें कि डेटा भी उसे कह सकते हैं, बट एक्चुअली वो स्टेट है। तो रिडक्स के अंदर एक सेंट्रलाइज स्टोर बनाया जाता है जिसके अंदर हम स्टेट को डिफाइन करते हैं और उस स्टेट को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी पेज में, किसी भी कंपोनेंट में इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आया उसके ऊपर कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सब जो है हमें रिडक्स का जो टूल है या रिडक्स जो है हमें इजाजत देता है कि आप हमारे सिस्टम को कॉन्फिगर करने के बाद ये इजीली इस तरह से स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो रिडक्स को समझने के लिए, रिडक्स के सिनेरियो को समझने के लिए कि रिडक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, हम एक रेपो जनरेट करते हैं नेक्स्ट 13 की, साथ साथ इसको समझते भी जाते हैं npx create next app @latest और इसको मैं नाम दे देता हूं रिडक्स। आपका जो दिल मन करे वो नाम दे दे, मैं इसको रिडक्स टूल किट का नाम दे देता हूं या रिडक्स टूल, ठीक है। और अब ये कुछ सवाल पूछेंगे। यस, हमें टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, हमें ESLint भी चाहिए, टेलविंड भी चाहिए, सोर्स डायरेक्टरी भी चाहिए और बाकी पे भी मैं यस यस कर देता हूं और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तब तक इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है, हम जानते हैं कि रिडक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ गई। रिडक्स होता क्या है? रिडक्स एक्चुअली एक ग्लोबल स्टोर होता है जिसमें हम जब कोई स्टेट डिफाइन करते हैं तो उसको हम किस पूरी एप्लीकेशन में किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर इजीली वहां से डेटा को गेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसके साथ जो भी चाहे हम उसे उसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है ना। बट ये ग्लोबली स्टोर होता है और इसके अंदर जो है नॉर्मली वही फंक्शन लगते हैं, बट इसके ऊपर फंक्शनलिटी रिडक्स की कॉन्फिगरेशन के मुताबिक ही है ना अप्लाई होती है। सुनने में आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप यकीन जाने सी कोई भी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। तब तक हम एप्लीकेशन बनती है, हम इंतजार करते हैं और उसके बाद दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, हमारी रेपो तैयार हो गई है और इसको जरा हम कोड पे ले आते हैं, वीएस कोड पे ले आते हैं और समझते हैं कि हमें रिडक्स की जरूरत क्यों पेश आई और रिडक्स किस तरह से काम करता है। तो मैं चलता हूं cd रिडक्स और इसको रन कर देते हैं npm रन div, ठीक है, और अपने कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जो page.tsx है इसको क्लीन कर देता हूं। रिडक्स टूल किट सेव करते हैं और अपना रिजल्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम में जरा सा वक्त लग जाता है इसलिए हम इंतजार करते हैं, ठीक है। रिडक्स टूल किट, हमारी एप्लीकेशन नॉर्मली चल गई, बिल्कुल हमने स्क्रेच से शुरू किया है ताकि हमें पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। अब जरा समझते हैं कि रिडक्स की हमें जरूरत क्यों है। इसको समझाने के लिए मैं छोटी सी इसी ही रेपो की मिसाल दूंगा। अगर हम इस पे नजर डालें तो हमें एक फाइल नजर आती है global.css। अब ये global.css क्यों यहाँ पे बनती है इसके बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं पता। तो इसी तरह से इसका मकसद क्या होता है कि इसके ऊपर हम जो भी CSS लगाएंगे वो इस पूरी एप्लीकेशन में किसी भी कंपोनेंट या किसी भी पेज के ऊपर हम इजीली गेट कर सकते हैं बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के। तो ग्लोबल स्टोर भी या रिडक्स भी कुछ इसी तरह से ही काम करता है कि इसमें डेटा को या इसमें स्टेट मैनेज, ये एक्चुअली एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ये स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि डेटा को हम किसी एक सी जगह पे है ना सेंट्रलाइज करते हैं कि उसको किसी भी है ना पेज या किसी भी कंपोनेंट में इजीली गेट कर सकते हो। लाइक अगर हम अभी यहाँ पे एक राउट बनाए,
अबाउट या प्रोडक्ट का मैं बनाता हूं राउट एक प्रोडक्ट, और यहां पे हम पेज डॉट टीएसएक्स, ठीक है, ये मैंने एक राउट बना दिया और सेव कर देते हैं। अब जरा समझे इस बात को कि इसको हम पहले चेक कर लें किस नाम से बनाया मैंने, प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है, स्लैश प्रो प्रोडक्ट, हमारा पेज यहां पे खुल गया, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने यहां पे लगता है सेव नहीं किया, ग्लोबल डॉट सी एस एस को मैं सेव कर लेता हूं ताकि लाइनें हट जाए, ठीक है। अब जरा सा ये समझे कि मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट पास करता हूं, मैं हमारे होम पेज पर पेज टू टी एस एक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं कॉन्स्ट डेटा, और चलो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इसमें लिखते हैं नेम, नेम है रतन, और एज, एज जो है रतनलाल नहीं बताता, मैं 29 कर देता हूं, ठीक है। अब समझ लो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में फिलहाल तो एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये बहुत बड़ा डेटा है, एक एज्यूम कर लो जहन के अंदर। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये डेटा जो है हमारे इस पेज के ऊपर एक्सेस करना है, हमारा ये जो प्रोडक्ट वाला पेज है, मैं चाहता हूं मुझे ये वाला डेटा यहां पर मिले। अब मैं यहां पे ये डेटा किस तरह से एक्सेस करूं, मेरे पास कुछ मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरह से अगर हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं और इस डेटा को जहां पे हमने इसे पेज डॉट टी एस एक्स मतलब होम के ऊपर डिफाइन किया है, और इसको मैं यहां पे शो भी करवा सकता हूं इजीली, लाइक मैं इसे कहता हूं डेटा डो, डेटा के अंदर इसमें जीरो डॉट नेम, ठीक है, मैं सेव करता हूं, यहां पे मुझे रतनलाल मिल गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं ये रतनलाल मुझे यहां भी मिले, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर, बट मेरे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। अगर हम इस कोड को देखें तो इस डेटा को मैं या इस वाले डेटा को मैं यहां पे किस तरह से एक्सेस करूं, हमारे पास कुछ मैकेनिज्म नहीं है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है रिडक्स। तो रिडक्स क्या करता है, जब हम अपनी स्टेट को एक बार रिडक्स में डिफाइन कर देते हैं, और स्टेट क्या चीज होती है, स्टेट यही डेटा कहलाता है, या यूं कहते हैं कि हम जब डेटा को अपने रिडक्स के स्टोर के अंदर डिफाइन करते हैं, तो उस स्टोर के थ्रू हम ग्लोबली इस एप्लीकेशन में ग्लोबली किसी भी पेज किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसे इजीली कॉल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शनलिटी उसके ऊपर बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। रिडक्स का मैकेनिज्म क्या है, रिडक्स की स्टेट को सिर्फ रिड्यूसर चेंज कर सकता है, डायरेक्ट फंक्शन उसके ऊपर नहीं चेंज करेगा, उसे डायरेक्ट फंक्शन लगा के उसके डेटा को, जैसे मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बना दूं लाइक एड डेटा, सॉरी मैं एक ऐसे ही बस फंक्शन बना रहा हूं, उसे लाइक ये मैंने एक फंक्शन बना दिया जो क्या करता है कि डेटा के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता है, चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं कि पुश, ये इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को इजीली पुश कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट जो भी हम इसे पास करेंगे इस डेटा के इस मेथड के थ्रू, तो इस हमारे डेटा के अंदर वो ऑब्जेक्ट एड हो जाएगा। बट रिडक्स के अंदर ये मेथड इस तरह से यूज नहीं कर सकते, इस फंक्शन तो सेम ही होगा बट इसे रिड्यूसर के जरिए कॉल करना होगा, क्योंकि रिडक्स के स्टोर में जो स्टेट है उसको सिर्फ रिड्यूसर को इजाजत है जो उस स्टेट को चेंज करे। सुनने में ये बातें आपको बहुत ही ज्यादा हैवी और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन यकीन जाने बहुत ही ज्यादा आसान, और बहुत ही हम अपनी लैंग्वेज में इसको लोकल लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से इसे कोशिश करेंगे कि इस ट्यूटोरियल को हम समझें। बट आप अभी के लिए रिडक्स को बहुत ज्यादा पहाड़ या बहुत ज्यादा मुश्किल ना समझिए, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ी लेवल की एप्लीकेशन के लिए एक ऐसा टूल है, सेंट्रलाइज टूल है, जिसमें हम डेटा को या स्टेट को इजिली मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।